भारत देश की मातृभाषा हिंदी है और हम गर्व से स्वीकारते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। अनेकता में एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से गूंजता है। जीवन में भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। एक भाषा ही हमें तहजीब का विकास कराती है। इसी कारण सभी देशों की अपनी एक मूल भाषा होती है जिसका सम्मान करना देशवासियों का कर्तव्य है। माना कि भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन मात्र है, लेकिन इस साधन में वो बल है जो दुनिया को बदल सकता है। विभिन्नताओं के बीच एक भाषा ही है जो एकता का आधार बनती है और हम सभी को इस एकता के साधन का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हिंदी दिवस भारत में हिंदी का विकास करने के लिए बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अधिक संस्कृतियाँ पाई जाती है। इन सांस्कृतिक विभिन्नता की वजह से कई तरह की भाषाएं भी भारत में विकसित हो चुकी है। क्योंकि इतनी भाषाओं की होने की वजह से यहाँ के औपचारिक कार्यों में यह तय कर पाना कठिन हो जाता है कि किस भाषा में सभी औपचारिक कार्य किए जाएं। इस वजह से हिंदी को एक मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई। अगर हम हिंदी दिवस के इतिहास के ऊपर नजर डालें तो भारत में हिंदी दिवस का इतिहास बहुत अधिक पुराना भी नहीं है। भारत देश कई विविधताओं का मिश्रण है, उनमें कई भाषाओं का समावेश है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को देश की मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। आज यह दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसे सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वास्तव में 14 सितंबर 1949 के दिन आज़ादी के बाद हिंदी को देश की मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। उसी की याद में 1953 में यह निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब अगर हम वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बात करें, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को स्वदेश में हिंदी दिवस हम मनाते हैं, परंतु विश्व स्तर पर इस खास दिवस को एक अलग दिन पर मनाया जाता है। सर्वप्रथम 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। उसके बाद 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया गया। खास तौर पर विदेशों में बने भारतीय दूतावास में 10 जनवरी को हिंदी दिवस बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। दुनिया में हिंदी के महत्व को समझने के लिए और उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए ये दिन शुरू किया गया। अब 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र का औपचारिक माना गया था। 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत में संविधान पारित हुआ और हिंदी को औपचारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। इस बात का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में किया गया है। आज भी केंद्र सरकार के अधीन हिंदी और इंग्लिश दो ही औपचारिक भाषाएं हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।